हाय गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एकेडमी में। तो 14 नवंबर 2022 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर लेकर आए हैं हम DRDO सेप्टम 10 का। तो जनरल अवेयरनेस और साइंस के क्वेश्चन हम इसमें कराने वाले हैं, तो कृपया वीडियो को एंड तक देखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और जो स्टूडेंट नए हों वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम ऐसी ही वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिट्रिक एसिड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोडायलिसिस किससे संबंधित है? तो जो हीमोडायलिसिस है वो किडनी से संबंधित है। ठीक है, ये रोग हैं, ये रोग आप देख लें तो ज़्यादा से ज़्यादा ये याद करके जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, 4 कार्बन जो एल्कीन में दिखाने थे तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? देखिए फॉर्मूला तो इसका CnH2n होता है, तो इसमें n की जगह 4 को लगाएंगे हम तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा? C4H10 प्राप्त हो जाएगा हमको, तो यही ऑप्शन में सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देहिंग पटाखा त्यौहार कहाँ का है? तो ये देहिंग पटाखा त्यौहार जो है वो असम का है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो का फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट 19 अप्रैल को और 1975 को ये प्रक्षेपित किया गया था। तो इसरो के जितने भी सैटेलाइट हैं इम्पोर्टेंट सैटेलाइट वो आप याद करके जाएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम 2022 कहाँ पर हुए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बर्मिंघम में हुए थे ये। कहाँ हुए थे? बर्मिंघम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, G7 कंट्री, तो इसमें ऑप्शन में साउथ अफ्रीका जो था वो सही था। ठीक है, तो G7 जितने भी कंट्री हैं वो सब याद कर लें आप, जिससे कि आप पेपर में कोई दिक्कत ना आए, और ये भी याद कर लें कि अगला G7 कहाँ पर और कौन सा देश उसका नेतृत्व करने वाला है, तो ये सब आप याद करके ही पेपर में जाएं। अगला क्वेश्चन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसे कहते हैं? तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसे कर्क रेखा को कहा जाता है, तो कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा ये सब आप देखकर ही जाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल का कलर किस कारण से फीका पड़ रहा है? तो एसिड रेन यानी कि अम्ल वर्षा से ये इसमें फ़र्क पड़ रहा है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का इन्फॉर्मेशन हेरोडोटस क्या है? तो ये जीन से संबंधित यहाँ से एक क्वेश्चन था, तो जितने भी प्रोटीन विटामिन इससे संबंधित क्वेश्चन हो वो सब देख कर लाएँ, देख लें और उसे देख कर ही पेपर में जाएँ। यक्षगान डांस तो ये कहाँ का है? ये कर्नाटका का है। अगला क्वेश्चन है, इस्माइल योजना, तो इस्माइल योजना क्या है? ये बेगर भिखारी दोपहर में सूर्य की रोशनी का रंग वाइट क्यों हो जाता है? तो जो सूर्य की रोशनी है उसमें ऑल कलर जो होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और इस कारण से उसका रंग वाइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है? तो जो डाइजेशन होता है वो माउथ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट PM ऑफ इंडिया का एम क्या था? तो इसका एम जो था वो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को कैसे अरेंज किया गया है? तो एटॉमिक नंबर से अरेंज किया गया है उसमें, तो आप इसको पीरियोडिक टेबल जो है उसको देख कर ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगल ऑफ इंसिडेंट 0 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? तो इसका जो रिफ्लेक्शन है वो 0 डिग्री ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला घोड़ा फेस्टिवल कहाँ होता है? तो ये महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र में होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वायर को इक्वल लेंथ में 2 भागों में काटा जाता है तो रेजिस्टिविटी क्या होगी? तो रो से ये रेजिस्टिविटी रो हो, इसका आंसर जो था वो रो था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरेलल सर्किट में कौन सा फिजिकल पैरामीटर सेम होता है? तो पैरेलल सर्किट में जो वोल्टेज होती है वो सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्से किसने शुरू की थी? तो इसको किसने शुरू किया था? लॉर्ड डलहौजी ने ये हड़प नीति शुरू की थी। और अगला क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन आया था अगला है, ये चारों को मिलान करना था। ठीक है, तो इसमें पहला है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था।
प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। बैटल ऑफ तालिकाट 1565 में हुआ था। बैटल ऑफ खानवा 1527 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी का मास 30 kg है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यानी कि यहाँ सीधा सीधा क्वेश्चन है, मून पर 30 kg मास है तो अर्थ पर मास उसका कितना होगा। तो मास ऐसी चीज़ है वो चेंज नहीं होती है, तो अर्थ पर भी 30 kg ही होगा। ऑप्शन में 5 kg भी था, तो लड़के इसको 1/6 कर रहे थे, तो 1/6 से इसका 5 kg आंसर लगा कर भी आए थे, तो ये इसका आंसर ये गलत हो जाएगा, मास चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर, इस पर एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मास डबल करने पर, वेलोसिटी आधी करने पर लेनियर मोमेंटम कितना रहेगा, तो क्या रहेगा, वो सेम रहता है। नेक्स्ट है, शिप इनसाइड वाटर है तो नॉर्मल से नियर की नियर फोर सेम की तरफ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ह्यूमन हेल्थ इंडेक्स टॉप स्टेट कौन सा है, तो इसमें टॉप स्टेट जो है वो केरला है, ठीक है। तो कैसा लगा आपको हमारा सेशन, तो कृपया सेशन को शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।